नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव चंचल में। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। लता मंगेशकर जी के इन प्यारे सुरों ने सच ही कहा है कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए हैं। एक ओर पापी अपनी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, तो दूसरी ओर साधु संत सज्जन लोग यह सोचते रहते हैं कि कलयुग कब जाएगा, कलयुग कितना बाकी है, हे भगवान ये कलयुग खत्म हो जाए जल्दी। जी हाँ दोस्तों, सज्जन व्यक्ति यही चाहता है कि कलयुग कब बीतेगा, परंतु चाहने से थोड़ी कलयुग चला जाएगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हर चीज को काल यानी कि समय के अंदर बांध रखा है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या प्रकृति अथवा काल, यहाँ तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराण व धर्म शास्त्र में काल खंड को चार भागों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों का समय भी निश्चित और पूर्व निर्धारित है। इन चारों युगों का कितना कितना समय होता है आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और हाँ, विशेषकर कलयुग को लेकर जो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि कलयुग कितना बाकी है, कलयुग के कितने साल बाकी हैं, इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी अवश्य आते होंगे। कलयुग कितना बाकी है, वो कितना बीत चुका है, यह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि दोस्तों ये चार युग क्या हैं और इनके पीछे क्या रहस्य है। हिंदू धर्म में काल गणना अत्यंत ही गंभीर और अति सूक्ष्म चिंतन है। चारों युगों को समझने से पहले ब्रह्मा की सृष्टि अथवा ब्रह्मांड को समझना जरूरी है। ब्रह्मा जी का दिन एक कल्प में होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दूसरे कल्प में रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन रात दो कल्पों में होती है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनवंतर 71 चतुर योगी होते हैं। 14 मनवंतर में तो वर्तमान में सातवां वैवनस्वत मनु चल रहा है, इन सातवें मनवंतर का 28वां चतुर्युग अभी चल रहा है। दोस्तों चतुर्युग का मतलब होता है चार युग का एक समूह, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इस प्रकार वर्तमान में यह 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युगों की वर्ष संख्या भी पूर्व निर्धारित है। मनु स्मृति में भी चारों युगों की आयु में बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कि चारों युगों की आयु कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग को कृत युग भी कहा गया है। इस युग में धर्म के चारों चरण विद्यमान थे, पाप बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या यूं कहे कि पाप न के बराबर होता था। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। यह आपको जानकर हैरानी होगी कि किस सतयुग में सामान्य मानव की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि युग के अनुसार इंसान की आयु भी घटती है। दोस्तों सतयुग के बाद आता है दूसरा युग, त्रेता युग। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल निश्चित की गई है। रोचक बात तो यह है कि त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 साल होती थी। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि त्रेता युग के बाद द्वापर युग आती है, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 1,000 साल हो गई थी। दोस्तों कलयुग को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, कितना बीत चुका है और घोर कलयुग कब आएगा, वर्तमान में कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है, इत्यादि सवाल आपके मन में भी जागते होंगे। तो आइए जानते हैं कि कलयुग की आयु कितनी है। दोस्तों पुराणों की बात माने तो कलयुग का परिमाण 4,32,000 वर्ष है। हैरानी की बात तो यह है कि कलयुग में इंसान की उम्र
और घटकर 100 वर्ष हो गई है। आपने देखा होगा कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष थी एवं द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। लेकिन कलयुग के चलते चलते इंसान की उम्र भी घटते क्रम में चली गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष हो गई और जैसे जैसे घोर कलयुग आता है यह 100 वर्ष से 50 वर्ष, 50 वर्ष से 25 वर्ष तक भी आ जाती है। अतः घोर कलयुग में इंसान की उम्र 20 से 25 वर्ष भी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि कलयुग अभी कितना बाकी है और घोर कलयुग कब आएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, अभी तक कलयुग के केवल 5,122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस सृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात तो यह है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बात की गई है। अतः कलयुग में भगवान की पूजा अवश्य करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि मानव कलयुग का अंत होने वाला है। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है, कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, पुरुषों की पढ़ाई स्त्री के प्रति कुदृष्टि बनी हुई है। इन सब को देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। जब इतनी शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है तो कल्पना कीजिए जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। दोस्तों घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन एक बात सर्वथा सत्य है कि चाहे कलयुग की अभी शुरुआत ही हो लेकिन कलयुग की शुरुआत भी बहुत भयंकर है। इसका यह कारण है कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण होता है, बाकी सब पाप ही पाप होता है। अतः अभी भी ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। तो जरा सोचिए जब घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य जीवन नरक जैसा बन जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्र और पुराणों के अनुसार घोर कलयुग में इंसान की अधिकतम उम्र 5 वर्ष तक हो जाएगी। एक इंसान अपने ही सगे संबंधियों को मारने काटने के लिए तैयार हो जाएगा। गाय के थन से दूध की एक बूंद भी न निकलेगी। गंगा का जल पूर्ण रूप से सूख जाएगा। नदी तालाब पानी सरोवर आदि सब सूख जाएंगे। पृथ्वी पर त्राहिमाम संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे पर टूट पड़ेगी। घोर कलयुग आने पर एक ही परिवार में माँ बेटी भाई बहन आदि का पवित्र संबंध भी अश्लीलता एवं काम वासना जैसे दुष्कर्म का शिकार हो जाएगा। ऐसे घोर कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार लेकर आएंगे और पुनः कलयुग के अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने कलयुग कितना बाकी है, घोर कलयुग कब आएगा, कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं और कितने बाकी हैं, इन सभी सवालों के गूढ़ एवं रोचक तथ्य रहस्य भरी बातें जानी। दोस्तों कलयुग से जुड़े ये कुछ फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।